और भारी कपड़े पहनना आपको बलात्कार के आरोप लगाने का शौक है पांडव पत्नी। अब इनमें से ना पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा। लाइट बंद करो सबकी, बहुत आराम कर लिया इनने। अरे माँ तो बच्चों का भी हाल कर रहे हैं। एमसी होगी, एमसी करते हो ना, एमसी होगी एमसी। अरे तो तू मार सकती है जेठानी के बच्चों को, मेरे बच्चे जेठानी नहीं मार सकती। मथुरा में थाना हाईवे इलाके की चाणक्यपुरी निवासी पूर्व आरटीओ महेश चंद शर्मा ने अपनी पत्नी माया शर्मा और अपने बेटों के साथ मिलकर एक पत्रकार वार्ता करके भाजपा की पार्षद पर घर में घुसकर बंधक बनाने के साथ उनसे लाखों रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है, जिसमें परिवार का कहना है कि उनके छोटे बेटे दुष्यंत शर्मा की पत्नी नीतू, जो कि 2 साल से परिवार से अलग रहती है और उनका उनके बेटे से तलाक का केस भी चल रहा है, उसके साथ मिलकर जबरन दर्जनों महिलाओं के साथ घर में घुसकर उन्हें धमकाया और डराया जा रहा है। इसी के साथ उनके घर की बिजली पानी भी बंद कर दिए हैं, और जिसमें एक वीडियो भी उन्हीं के द्वारा शेयर किया जा रहा है, जिसमें भाजपा की महिला पार्षद खुद महिला से ये कहती नजर आ रही है कि तुम अपने कपड़े फाड़कर इन पर बलात्कार का आरोप लगाओ और इनकी लाइट के साथ पानी बंद करो, जिसके बाद पुलिस भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। अब उन्होंने मीडिया के सामने आकर सरकार से रो रो कर ये गुहार लगाई है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, इसीलिए सरकार से इनकी मांग है कि जान माल की रक्षा की जाए ताकि वो अपने परिवार के साथ बिना किसी डर और भय के अपने घर में रह सकें। तो मुझसे विवाद करे, मेरे पास आए, मुझसे कहे, मेरे माता पिता के पास ना जाए। मेरे माता पिता से तो पहले उसने मुझे बेदखल करा दिया, सब कुछ खत्म करा दिया उसने। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि उसे लड़ना है तो मुझसे लड़े, मुझसे क्यों नहीं लड़ती है वो। और मैं रखने को तैयार हूँ, ऐसा नहीं है मैं रखने को तैयार हूँ। उसने इनके यहाँ जाकर के अपना सामान क्यों रख लिया है, क्यों परेशान किया जा रहा है उसको, इन सब लोगों को। और मैं रखने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता। मैं क्यों नहीं रह पाऊंगा उसके साथ, क्योंकि उसने मेरे संग ऐसे विवाद पहले भी कर चुकी है। पहले मेरे ये देखिए चाकू से मेरे हाथ पे, जब मैंने दरवाजा तोड़ के घुसा था मैं, तब चाकू से मेरे हाथ पे वार किया उसने और मेरा मेडिकल कराया गया। और उसके अगले दिन ही इन्होंने मिल करके अपनी पंचायत बुलाई, पंचायत बुला करके ताकि इसकी इस प्रकरण में FIR ना हो, इस वजह से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ की बात करी कि 2 बच्चे हैं और इस प्रकार से आप जो है मुकदमों को वापस लीजिए, 2 बच्चों का सवाल है। तो किराए के मकान में सहमति हुई, तो उसमें जाके हम रहने लगे। कुछ समय रहने के बाद फिर 12 सितंबर 2021 को उसने मेरे साथ में ताला लगाया, अंदर से कुंडी में ताला लगाया और मुझसे बोलते छत से कूद। ये प्रकरण मेरा बच्चा भी देख रहा था। मैंने 112 नंबर से पुलिस बुलाई और पुलिस बुला करके ये सारी चीज़ें मैंने उन्हें बताई, मेरे बच्चे नहीं बताई, तो उसका 107-16 का शांति भंग का चालान भी किया गया पुलिस के द्वारा। जी, बच्चों का केस चल रहा है माननीय न्यायालय में, बच्चे का केस चल रहा है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए माननीय न्यायालय में का, ये मैंने अपना मेरे साथ में बच्चा आया था, मेरी स्थिति सही नहीं थी, इस वजह से मैंने पिताजी को सपोर्ट कर दिया। दूसरे बच्चे का ये मुझे देखेगा, ये मेरे पिताजी को देखेगा ये दूसरा बच्चा अपनी सहमति से, कि मैं इसका लालन पालन नहीं कर पा रही हूँ, दादा के पास अच्छा लालन पालन पोषण। क्या चाहते हैं,
मानी मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है, इन्हें परेशान ना किया जाए मेरे माँ बाप को, यदि उसे कोई बात है तो मुझसे कहे, मैं आज भी उसका खर्चा उठाने को तैयार हूँ, जो उसका जायज खर्चा है मैं उसे दूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं है उसमें, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहूंगा क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज वाली महिला है वो पहले भी मेरे साथ में 2 बार घटना कर चुकी है। ठीक है, माया शर्मा है, मैं 26 चाणक्यपुरी में रहती हूँ और 4 तारीख को रश्मि शर्मा है, कोई पार्षद है बीजेपी की, वो करीब 30-35 औरतों को लेकर के मेरे घर में घुसी और बदतमीजी करने लगी, गेट तोड़ने लगी और धमकी देने लगी, और मैं 2-3 बार बेहोश भी हुई, पुलिस प्रशासन पूरा खड़ा हुआ था लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, बल्कि मैं सब लोग हम पे ही दबाव बना रहे थे कि बहू को रखना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारा विवाद चल रहा है, उसका उसके बेटे से, हमारे खिलाफ भी उसने कंप्लेंट करा रखी है, और पता नहीं क्या कारण है, और उन्होंने हमसे पैसे की भी डिमांड रखी, 25 लाख की डिमांड भी किसी के द्वारा आई है कि 25 लाख रुपए आप दे दो हमें तो ये केस रफा दफा करवा दें, इस समय का जो केस खत्म करवा दूंगी। तो मैंने ये बोला ऐसे हम कैसे दे देंगे, कोर्ट के थ्रू देंगे जो भी बनेगा इसका, लेकिन कोर्ट से उनका कोई मतलब नहीं है, उसे प्रॉपर्टी चाहिए, इसी घर में रहना है, प्रॉपर्टी चाहिए, जब बेटा हमारा बेदखल है तो इस घर में उसका क्या मतलब बनता है। हम ये चाहते हैं भाई हमारी बहू से हमें लग कर दे, हम तो बहुत आतंकित है, रश्मि शर्मा से हमें बचाओ, उसने खुलेआम बोला सबके सामने और रिकॉर्डिंग भी है कि कपड़े फाड़ लेंगे हम और तुम्हें बलात्कार के केस में फंसा देंगे, 66 वर्षीय मेरे पति हैं, उनसे बोला उन्होंने, लेकिन पुलिस ने एक शब्द भी नहीं बोला, लाइट बंद कर दी गई हमारी, हमारा पानी बंद कर दिया गया, बोले अब उनको ऐसे ही मन नहीं दो। मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ SSP साहब से, जब जब मिला तब तक उन्होंने हमको रिलीफ दी, ग्रोवर साहब से था, और उन्होंने ही मकान में से पहली बार जो कब्जा किया था, तब भी कब्जा कर उन्होंने हटवाया था, उनको भगवाया वहां से, और उसके बाद में दोबारा उसने फिर कब्जा कर लिया, जब छोटा बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में थी तो पीछे से इसने कब्जा कर लिया, जैसे उसने कब्जा किया तब भी फिर मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा घर आपका है, आप कबाड़ों को फाड़ दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, बीजेपी की सरकार है, इसीलिए तो इस गुंडागर्दी करने की इतनी हिम्मत हुई, 30-35 औरतों को लेकर के जबरन गेट में घुस गई, और फिर पुलिस वाले बुलाए भी लिए गए कॉलोनी वाले द्वारा, फिर भी पुलिस खड़ी रही, अरे शांत रहो शांत रहो, हमको शांत क्यों कर रहे हो, उनको शांत करो, 30-35 आदमी क्यों महिलाओं को लेकर क्यों गुस्सी हो। राष्ट्र में जब उसने ये धमकी दी कि इनको कपड़े फाड़ लो, बलात्कार का केस लगा दो, और ये मुझको जानकारी पहले आ गई कि अब कुछ बड़ी घटना होने वाली है, तो बड़ी घटना का जब उसने ये शब्द अपने कहे इसमें उसमें तो उसके बाद में समझ गया इसका मतलब, अब ये मुझे फंसा। सबसे बड़ी जिम्मेदार है रश्मि शर्मा जो बीजेपी पार्षद है, उसकी द्वारा गुंडागिर्दी संचालित करके अपना मनमाना काम करवाया जा रहा है, जिससे वो 25 लाख की जो उसने हमने एक खबर भेजी ना उसको हम देने के लिए मजबूर हो जाएं।